नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको BSTC का एक ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक मॉडल पेपर पड़ा है, तो इसमें दोस्तों हम राजस्थान GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, GK का जो पार्ट बी है, जनरल अवेयरनेस राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों आपके जो 400 प्लस नंबर आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो पहला प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का, इस मॉडल पेपर का, देखिए लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में है। यानी कि दोस्तों जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थान पूछा है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नागौर, अजमेर, टोंक या चूरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों अजमेर जिले से, ठीक है, अजमेर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है, यानी कि जो देखिए चांद बावड़ी जो है वो किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों चांद बावड़ी जो है वो दौसा जिले में है। कहाँ पर दोस्तों? दौसा जिले में है। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? दोस्तों ये मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बोला था कि नीला शहर यानी कि दोस्तों ब्लू सिटी वो है दोस्तों जोधपुर, ठीक है। जोधपुर जो जिला है उसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़। तो गार्डन बड़ा बाग जो स्थित है वो है दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान केसरी के नाम से जाना। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, CBSE या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, IIT JEE और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माना जाता है राजस्थान केसरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास और राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो वो होगा विजयदान देता के द्वारा, ठीक है। विजयदान देता यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नरेश चंद्र को। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए यहाँ पर कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 विश्व कप में खेला है, निम्न में से है। ये दोस्तों आपका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, तो बता सकता हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना कि हो सकता, लेकिन आप पढ़ लें एक बार। इसका जो आंसर है वो होगा वो होगा दोस्तों 2018 में, ठीक है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में, लेकिन हालांकि जो आपका करंट अफेयर आता है वो पिछले 6 महीनों का आता है, यानी कि पिछले 6 महीनों का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ज़्यादा आपको डीपली यानी कि और भी पिछले वर्ष का आपको नहीं पढ़ना है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के कहाँ पर, किसके साथ साझा करता है? तो 59 का आंसर है पाकिस्तान के साथ। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, कौन सा जिला? जो उत्तरी अरावली पूछा है मेरे दोस्तों, तो वो होगा दौसा जिला। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर में किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष पूछा है दोस्तों, तो वो होगा 1959 के अंदर, 1959। देखिए, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है, मीना समुदाय यानी कि दोस्तों मीना कम्युनिटी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा पटेल के नाम से जाना जाता है। एक आपका जनजाति से प्रश्न आएगा तो उसको ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? राष्ट्रीय राजमार्ग की NHU मार्ग होते हैं ना, वो आपको याद करना है। तो दोस्तों ये होगा 688 किलोमीटर का है, सॉरी। राजस्थान में देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2009 के अंदर हुई थी। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का
पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो किसे मिला पुरस्कार? तो इसका जो आंसर है वो होगा दोस्तों नीरज डालिया को मिला था दोस्तों, नीरज डालिया को मिला। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आया दोस्तों आपका आंसर 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला कौन अध्यक्ष थी? पहली महिला अध्यक्ष है ना वो थी दोस्तों कांता कुमारी भटनागर, ठीक है, कांता कुमारी भटनागर। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन से कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो का बी, यानी कि कुशाल सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, बस आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है 68 का आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो होगा दौसा जिले के अंदर प्रसिद्ध है। पिचवाई कला किससे संबंधित है? पिचवाई कला किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जो है वो श्री कृष्ण से संबंधित होगी पिचवाई कला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिला, सबसे न्यूनतम घनत्व जिला किसमें है? तो दोस्तों न्यूनतम घनत्व जिला पूछा है तो दोस्तों जैसलमेर बीकानेर ये आंसर होगा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों अमृतसर जैसलमेर के अंदर। भारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? भारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? नाक में पहना जाता है, यानी कि आंसर होगा बी आंसर। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ था? देखिए राज तिलक पूछा है महाराणा प्रताप का, तो हुआ था दोस्तों गोगुंदा गांव में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चेतन राघव, ठीक है, चेतन राघव इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है किससे संबंधित है? राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है तो दोस्तों ये होगा आपका आंसर होगा डी अलवर क्षेत्र, अलवर जिले से। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछा मैंने, राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम राजस्थानी फिल्म जी थी वो थी दोस्तों फिल्म है नजरानो, नजरानो फिल्म थी दोस्तों, निजरानो फिल्म, ठीक है, निजरानो फिल्म थी प्रथम फिल्म, भारत की राजस्थान की प्रथम फिल्म का नाम था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है? सबसे ज़्यादा बार शपथ किसने ली थी? तो दोस्तों हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने, ऑप्शन बी। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना, तो डेगाना जाना दोस्तों टंगस्टन के लिए, ठीक है, टंगस्टन। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? गांधी, राजस्थान का दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक जो है उपनाम के ज़्यादा पूछा जाएगा, तो फल्क सॉरी पिछली बार आया था आपका एक ही ऐसा प्रश्न आता है हर बार, 80 का आंसर होगा भी गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? तो दोस्तों वो होगा जयपुर के अंदर एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है हॉस्पिटल। वॉट इज लैग बैग, लाग बाग क्या है? किसका नाम है? चिड़िया का नाम, तोप का नाम, किसानों पर आरोपित कर, या फिर मानसिक हाथी का नाम? तो दोस्तों हाँ ये होगा किसानों पर जो कर लगाए जाते हैं, यानी कि टैक्स लेविड ऑन फार्मर्स। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, कब आया था? तो दोस्तों क्या होगा आंसर? आंसर होगा वो 1956 के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने पहली बार प्रयोग किया था? राजस्थान का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार किया था टॉड ने, जेम्स टॉड होगा सर। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक नाम स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हाँ कालीबंगा का प्रश्न आता है हर बार, तो देखिए ये इस प्रश्न का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे लगता है इन ऑप्शन में से नहीं होगा, बस आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के जिले किन चिन्ह किस जिले में उपस्थित है? तो वो होगा दोस्तों उदयपुर के अंदर। सिरवी जाति खेड़ी से जुड़ी है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जोधपुर जिले में ज़्यादा पाई जाती है। मेवाड़ी के सिसोदिया को किस से जाना जाता है? वंश पूछें दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया, सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ वर रिगार्डेड एज, किस में जाना जाता है दोस्तों? तो सूर्यवंशी के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सूर्यवंशी। चलिए अगला प्रश्न है,
राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पहली औपचारिक व्याकरण जो लिखी गई थी वो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं दोस्तों मल्लिकार्जुन मंसूर। राजस्थान की फर्ज चिकित्सारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो जुड़ी है दोस्तों मेवाड़ से, ठीक है मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? कालबेलिया पूछा है नृत्य, तो नृत्य का आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर जो है वो कालबेलिया नृत्य। बगरू की छवि राजस्थान किस जिले से है? तो ये होगा दोस्तों जयपुर जिले से। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है बाला किला? तो बाला किला दोस्तों याद रखना अलवर के अंदर स्थित है, अलवर जिले में। और एक बानगढ़ का किला भी जो है अलवर में स्थित है, जिसे भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? सबसे लंबे पर किया दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने। ओके, अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो है श्रीमान अशोक गहलोत। दौलतराम सरन को राजस्थान में संबोधित किया था क्या कहकर? तो क्या कहकर पूछा गया था? किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बूटा सिंह ने की थी। किसने की थी? बूटा सिंह ने की थी। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन हैं? तो 90 ये जो पहले का प्रश्न है तो इसको थोड़ा इग्नोर करें आप, लेकिन बताइए आंसर क्या होगा। 98 का आंसर होगा सी कैलाश मेघवाल। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा कैलाश मेघवाल। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय जो होता है वो एक बार होता है, ठीक है सॉरी दो बार होता है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों, किस से हुई है? वर्षा से, सदी से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से? तो पानी के अभाव यानी कि आवश्यकता किस से हुई? भाई पानी नहीं है तो इंदिरा गांधी का नहर का पानी आएगा। तो ये था दोस्तों आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है BSTC के। तो आपको वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लीजिए वंदे मातरम।